वाओ, देखिए कितने बढ़िया पॉकेट बनकर तैयार हो गए हैं। पॉकेट को आप गर्मा गर्म किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पॉकेट बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। खाने में तो इन पॉकेट का कोई जवाब नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने मेजरिंग कप से 1 कप गेहूं का आटा लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 2 चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे। तेल डालने से हम जो नाश्ता बना रहे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेगा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप इस नाश्ते को बनाकर सबको खिलाएंगे, वो इसे दोबारा ज़रूर बनाने को कहेगा। देखिए, इसमें हमने जो मोयन डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें सख्त डो चाहिए, सॉफ्ट डो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आटे को मैंने डो की तरह तैयार कर लिया है। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट तक रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1/2 कप बॉईल किए हुए कॉर्न लिए हैं। अब इसमें हम 1/2 कप चीज़ डालेंगे। 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज ऑप्शनल है, यदि आप कच्चा प्याज पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। मैं यहाँ पर काली मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। 2 चम्मच इसमें हम मेयोनीज डालेंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। मेयोनीज आपको किसी भी किराना शॉप पे मिल जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक ध्यान से ही डालें क्योंकि चीज़ और मेयोनीज में भी नमक होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई है। आटे को भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। लोई पर मैंने तेल लगाया है, आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। अब इसे हम रोटी की तरह पतला पतला बेल लेंगे। देखिए, मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। इसके चारों किनारियों को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा आटे को हम फिर से डो में मिला लेंगे। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसे हम रोटी पर फिल कर देंगे। अब इसके चारों किनारियों पर हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने से नाश्ता खुलेगा नहीं। अब इसे हम पलट कर स्टफिंग पर फोल्ड कर देंगे। इससे पहले भी मैंने वेजिटेबल पॉकेट और आलू की स्टफिंग के पॉकेट बनाए थे। उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अच्छे से चिपका दें। अब हम फोक की सहायता से इसे अच्छा सा डिज़ाइन दे देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने पॉकेट तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारे पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर पहले से ही गर्म होने रख दिया था। तेल गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। अब एक एक पीस करके हम कढ़ाई में डालेंगे। एक साथ ज़्यादा पीस ना डालें, नहीं तो नाश्ता अच्छे से फ्राई नहीं होगा।
पॉकेट को हम पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की आंच को हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। देखिए मैंने पॉकेट को पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पॉकेट्स तल लेंगे। देखिए कितने बढ़िया कॉर्न चीज पॉकेट बनकर तैयार हो गए हैं। पॉकेट को आप गर्मा गर्म किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पॉकेट बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। खाने में तो इन पॉकेट का कोई जवाब नहीं है। फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।